केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। इसकी रिपोर्ट एएसआई 4 अगस्त तक कोर्ट में पेश करे। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। 14 जुलाई को करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारा कहना था कि पूरे क्षेत्र का एएसआई सर्वे करना चाहिए। कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब एएसआई ही इस मामले की दिशा और दशा को तय करेगा। शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। वाराणसी कोर्ट में 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। वाराणसी कोर्ट में 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है, ये लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। सर्वे के दौरान पश्चिमी दीवार पर मिले निशान और अवशेषों से लगता है कि ये मंदिर की दीवार है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यहाँ पहले से मस्जिद थी, जिसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।